आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत 75 साल पूरे कर रहा है। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके। भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे, लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतांत्रिक की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया। मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी। सभ्यता के आरंभ में ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समता व एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया। इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे। पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है। उस युगांतरकारी आंदोलन में हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया था। उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई। ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है। हर आयु वर्ग के नागरिक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। ये भव्य महोत्सव अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों के प्रति इतने व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता को देखकर हमारे स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित हुए होते। हमारा गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा। अनेक महान स्वाधीनता सेनानियों ने वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए और राष्ट्र जागरण की मशाल अगली पीढ़ी को सौंपे। अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा।
पिछले वर्ष से हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे जनजातीय महानायक केवल स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के लिए विशेष रूप से भारत जैसे प्राचीन देश के लंबे इतिहास में 75 वर्ष का समय बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर एक कालखंड एक जीवन यात्रा जैसा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। ये गवाह है कि कैसे आज़ादी के बाद सभी पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की, विशाल चुनौतियों का सामना किया और स्वयं अपने भाग्य विधाता बने। इस दौर में हमने जो कुछ सीखा है वो सब उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम राष्ट्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में स्वाधीनता के शताब्दी उत्सव तक की 25 वर्ष की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह साकार कर लेंगे। इसी कालखंड में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण करने वाला विभूतियों के विजन को साकार कर चुके होंगे। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम पहले से ही तत्पर है। वो एक ऐसा भारत होगा जो अपनी संभावनाओं को साकार कर चुका होगा। दुनिया ने हाल के वर्षों में एक नए भारत को उभरते हुए देखा है, खासकर COVID-19 के प्रकोप के बाद। इस महामारी का सामना हमने जिस तरह किया है उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। इस प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और टीकाकरण से जुड़े कर्मचारियों के आभार हैं। इस आपदा में कोरोना योद्धाओं द्वारा किया गया योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। जब दुनिया इस गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या हमारी औद्योगिक प्रगति का शानदार उदाहरण है। विश्व में चल रही आर्थिक कठिनाई के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताओं को जाता है। पिछले कुछ वर्ष के दौरान फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। परिवहन के जल, थल, वायु आदि पर आधारित सभी माध्यमों को भलीभांति एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरे देश में आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। प्रगति के प्रति हमारे देश में दिखाई दे रही उत्साह का श्रेय कड़ी मेहनत करने वाले हमारे किसान व मजदूर भाई बहनों को भी जाता है। साथ ही व्यवसाय की सूझबूझ से समृद्धि का सृजन करने वाले हमारे उद्यमियों को भी जाता है। सबसे अधिक खुशी की बात है कि देश का आर्थिक विकास और अधिक समावेशी होता जा रहा है तथा क्षेत्रीय विषमताएं भी कम हो रही है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत ही है। दूरगामी परिणाम वाले सुधारों और नीतियों द्वारा इन परिवर्तनों की आधारभूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला स्थापित की जा रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भावी पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के अगले चरण के लिए तैयार करना तथा उन्हें हमारी विरासत के साथ फिर से जोड़ना भी है। आर्थिक प्रगति से देशवासियों का जीवन और भी सुगम होता जा रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ जन कल्याण के नए कदम भी उठाया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से गरीब के पास स्वयं का घर होना अब एक सपना नहीं रह गया बल्कि सच्चाई का रूप ले चुका है। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना पर कार्य चल रहा है। इन उपायों का और उसी तरह के अन्य प्रयासों का उद्देश्य सभी को विशेषकर गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। भारत में आज संवेदनशीलता व कोरोना के जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है। इन जीवन मूल्यों का मुख्य उद्देश्य हमारे वंचित जरूरतमंदों तथा समाज के हसीये पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना है। हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में भारत के संविधान में समाहित किया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानें, उनका पालन करें, जिससे हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। प्यारे देशवासियों, आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तथा उनके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके मूल में सुशासन पर विशेष बोल दिए जाने की प्रमुख भूमिका है। जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक निर्णय एवं कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। ये बदलाव विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा में भी दिखाई दे रहा है। भारत के नया आत्मविश्वास का स्रोत देश के युवा, किसान और सबसे बढ़कर देश की महिलाएं हैं। अब देश में स्त्री पुरुष के आधार पर असमानता कम हो रही है। महिलाएं अनेक रूढ़ियों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी बढ़ती भागीदारी निर्णायक साबित होगी। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से कहीं अधिक है। हमारे देश की बहुत सी उम्मीदें हमारी बेटियों पर टिकी हुई है। समुचित अवसर मिलने पर वे शानदार सफलता हासिल कर सकती है। अनेक बेटियों ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे खिलाड़ी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे बहुत से विजेता समाज के वंचित वर्गों में से आते हैं। हमारी बेटियां फाइटर पायलट से लेकर स्पेस साइंटिस्ट होने तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। प्यारे देशवासियों, जो हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो वास्तव में हम अपनी भारतीयता का उत्सव मनाते हैं। हमारा भारत अनेक विविधताओं से भरा देश है, परंतु इस विविधता के साथ ही हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक समान है। यही समानता हम सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत अपने पहाड़ों, नदियों, झीलों और वनों तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतुओं के कारण भी अत्यंत आकर्षक है। आज जब हमारे पर्यावरण के सम्मुख नई नई चुनौतियां आ रही है, तब हमें भारत की सुंदरता से जुड़ी हर चीज को दृढ़तापूर्वक संरक्षण करना चाहिए। जल, मिट्टी और जैविक विविधता का संरक्षण हमारी भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। प्रकृति की देखभाल माँ की तरह करना हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हम भारतवासी अपनी पारंपरिक जीवन शैली से पूरी दुनिया का सही राह दिखा सकते हैं। योग एवं आयुर्वेद विश्व समुदाय को भारत का अमूल्य उपहार है, जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रही है। प्यारे देशवासियों, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी मातृभूमि का दिया हुआ है।
इसलिए हमें अपने देश की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे अस्तित्व की सार्थकता एक महान भारत के निर्माण में ही दिखाई देगी। कन्नड़ा भाषा के माध्यम से भारतीय साहित्य को समृद्ध करने वाले महान राष्ट्रवादी कवि कुबेम्पु ने कहा है, नानु अड़िए नीनु अड़िए नम्मा एलुबुगोड़ मेले मूड बुदु नव भारत दलीले, अर्थात मैं नहीं रहूँगा, नहीं रहेंगे तुम, परंतु हमारी अस्थियों पर उदित होगी नई भारत की महागाथा। उस राष्ट्रवादी कवि का स्पष्ट आह्वान है कि मातृभूमि तथा देशवासियों के उत्थान के लिए सर्वस्व बलिदान करना हमारी आदर्श होना चाहिए। इन आदर्शों को अपनाने के लिए मैं अपने देश के युवाओं से विशेष अनुरोध करती हूँ, वे युवा ही 2047 के भारत का निर्माण करेंगे। अपना संबोधन समाप्त करने से पहले मैं भारत के सशस्त्र बलों, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित करने वाले प्रवासी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की बधाई देती हूँ। मैं सभी देशवासियों के सुखद और मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माय डियर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന തലേന്നാണ് ഈ അഭിസംബോധന പ്രസംഗം നടത്തിയത്. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ആശംസകൾ നേരുന്നു രാഷ്ട്രപതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ 75 വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയിൽ അതിൽ പോരാടിയ, അതിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സംസാരിച്ചത്. വീണ്ടും social harmony, unity and empowerment of people. Tomorrow marks the day when we had freed ourselves from the shackles of colonial rulers and decided to reshape our destiny. As all of us celebrate the anniversary of that day, we vow to all those men and women who made enormous sacrifices to make it possible for us to live in a free India. It is a cause of celebration, not only for all of us, but also for every advocate of democracy around the world. When India won independence, there were many international leaders and experts who were skeptical about the success of democratic form of government in India. ഓരോരുത്തരെയും സ്മരിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇതെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യത്തോട് പറയുകയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തുന്ന അഭിസംബോധനാ പ്രസംഗം എന്നതിലും എന്ന രീതിയിലും ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ന് ദ്രൗപദി മുർമ്മയുടെ ഈ പ്രസംഗം, ഈ അഭിസംബോധന സന്ദേശം. ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി. അതോടൊപ്പം വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിസംബോധനാ പ്രസംഗം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബൽറാം ഇടങ്ങാട് ചേർന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും. ബൽറാം, എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭിസംബോധനാ പ്രസംഗം രാഷ്ട്രപതിയായി ചുമതലയെടുത്ത ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തുന്ന ഈ അഭിസംബോധനാ പ്രസംഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉൾപ്പെടുത്തിയ, അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഭാരതീയനും ഈ ഭാരതീയത ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അല്ലേ? പ്രജിൻ, രാഷ്ട്രപതിയായി ചുമതല ഏറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശമാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും രാഷ്ട്രപതി അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിൽ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് ദ്രൗപദി മുർമുവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പോരാട്ടങ്ങളെ, അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു രാഷ്ട്രപതി. തുടർന്ന് മറ്റ് എല്ലാ മേഖലകളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മേന്മകൾ ഓരോന്നും തന്നെ രാഷ്ട്രപതി എടുത്തു പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ, ആദിവാസി വിഭാഗം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അടക്കം രാഷ്ട്രപതി എടുത്തു പറയുകയായിരുന്നു. മിക്ക ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകാൻ അവിടെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളും സമരങ്ങളും വേണ്ടി വന്നു. വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് അത് പ്രാവർത്തികമായത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും സാർവത്രിക
വോട്ടവകാശ ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 15 മുതൽ ആദിവാസികളുടെ അഭിമാന ദിനമായി നവംബർ 15 ആഘോഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അത് സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു തീരുമാനമാണ്. രാജ്യത്തെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മാത്രം നായകർ അല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാക്കാവുന്ന സമര പോരാട്ടങ്ങൾ നയിച്ചവരാണ് ഈ ആദിവാസി വിഭാഗം എന്ന് രാഷ്ട്രപതി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കോവിഡ് പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രപതി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ദീർഘനേരം തന്നെ അത് വിവരിക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ചു. തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചരിത്രത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷനാണ് ഇന്ത്യ തുടക്കം കുറിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ മാസം 200 കോടി ഡോസ് എന്ന മറികടക്കുന്ന ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കടക്കം മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ എന്ന് രാഷ്ട്രപതി എടുത്തു പറഞ്ഞു. കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ രംഗങ്ങൾ അടക്കം ഇന്ത്യ മാതൃകയാകുന്നു. 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള നാൾവഴിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാതയിലാണ് രാജ്യം എന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ലോകരാജ്യങ്ങളെ അലട്ടുന്നു. അതിനു മുന്നിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വയം പഠിക്കുകയും സ്വയം സന്നദ്ധമായി അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ഇപ്പോൾ അതിനെ മറികടന്ന് അതിവേഗം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയുടേത് എന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഭാരതീയനും സ്വന്തം ഭാരതീയതയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എല്ലാം തന്നെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയപരിപാടികളെയും രാഷ്ട്രപതി പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ പങ്കും അവർ വഹിക്കേണ്ട ചുമതലകളും രാഷ്ട്രപതി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. എന്തായാലും ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയായി ചുമതലയെടുത്ത ശേഷമുള്ള ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ ആദ്യ സന്ദേശത്തിൽ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് രാഷ്ട്രപതി നടത്തിയത്. ശരി, ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിസംബോധനാ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി നൽകിയത്.